शॉर्टेस्ट फ्लाइट था, 55 मिनट्स लगा कोलकाता से आसाम आने में। और ये मान्यता है कि ये जो शक्तिपीठ है ये सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ है। अभी रात के 3 बजे हैं, सब लोग सो रहे हैं और हम निकल पड़े हैं एयरपोर्ट के लिए। चलिए, हम लोग का बोर्डिंग पास आ गया है। ही होता है अगर रात को, आपको सुबह को फ्लाइट होता है ना, तो रात को ठीक से नींद नहीं होता और आँख भी ठीक से नहीं खुला है मेरा ऐसा। गुवाहाटी गेट नंबर 106। अच्छा, सुबह सुबह जो फ्लाइट तू पकड़ा है, इसका कोई ड्रास्टिक एक्सपीरियंस या कुछ कुछ शेयर करना चाहता है तू? नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इतना सुबह, पहले मैंने कभी फ्लाइट नहीं पकड़ा था, पहले जो भी पकड़ा था। अच्छा, ये तेरा फर्स्ट टाइम है? हाँ, इतना सुबह मैंने एक्चुअली, हम लोग को जो ये 2 बजे का जो उठने का जो प्लान हुआ था ना, ये मेरे लिए बहुत ही हेक्टिक रहा, दुखदायक, कष्टदायक। सोया ही नहीं कल से। हाँ, एक्चुअली हम पूरा रात में सोए नहीं। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All this. भाई साहब, 1 घंटे में आसाम पहुंच गए। ये मेरे जिंदगी का सबसे शॉर्टेस्ट फ्लाइट था, 55 मिनट्स लगा कोलकाता से आसाम आने में। आसाम में सबका स्वागत है। तुम कुछ बोलना चाहोगे? मेरे को अभी बहुत नींद आ रहा है। नींद आ रहा है? नींद नहीं। गुवाहाटी का जो ये जो आपका एयरपोर्ट है, ये इंडिया का 12th लार्जेस्ट एयरपोर्ट है और इसको कंट्रोल करता है अदानी ग्रुप, जो 2021 में इसको टेक ओवर किया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। मंदिर में वीआईपी पास का कोई सिस्टम है क्या? कितना ले? 500 का भी लेते हैं। और बच्चों का? बच्चों का थोड़ा कम लेते हैं। बच्चों का कम लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी फ्रॉम आसाम। A few moments later. जय माँ कामाख्या। कहते हैं देवी कामाख्या का जो मंदिर है वो पूरा नीलाचल पहाड़ में स्थित है। ये मान्यता है कि ये जो शक्तिपीठ है ये सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ है और सबसे पुराना शक्तिशाली शक्तिपीठ है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ लगता है आपका अंबुबाची के समय में। मंदिर का सबसे बड़ा जो फेस्टिवल होता है वो अंबुबाची के टाइम होता है और उस समय माता का कपाट 7 दिन तक बंद रहता है। यहाँ पे दर्शन करने के लिए 2 सिस्टम है, एक जनरल क्यू है और एक वीआईपी पास मिलता है। वीआईपी पास 500 रुपये पर हेड है और अभी हम जनरल क्यू से घुसे हैं क्योंकि देख रहे हैं कि लाइन पूरा फाका है। तो मंदिर में दर्शन करने के लिए माता की, तो ये हम लोगों को एक कूपन कटवाना पड़ेगा, पर तो हमने 5 को कूपन हमको लिया है। ये कूपन फ्री ऑफ कॉस्ट है और अभी है 1:30 बजे
यहाँ का रिवाज है कि देर एक से दो बजे तक आपका मंदिर बंद रहता है। तो देखिए हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, लोग यहाँ पे भी बैठे हैं, तो दो बजे के बाद मंदिर का कपाट खुलेगा, फिर ये लाइन चालू होगा। हमको 7 बज चुका है, अभी भी दर्शन नहीं हुआ। हमने लाइन में नहीं लगी है, लाइन ने हमारी लगा दी है, लाइन ने हमारी लगा दी है। अब भी लाइन चल रहा है। कितना घंटा, कम से कम सिंस वी आर वेटिंग 12 घंटा तो हो ही गया है। 12 घंटा हमने कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यही जो लाइन देख रहे हैं, यही लाइन गर्भगृह के अंदर जा रहा है। अंदर जो एक शक्ति है वो अद्भुत है, वो आपको महसूस करना पड़ेगा। वो जो एनर्जी है, आपका मन शांत है तो आप वो एनर्जी महसूस कर पाओगे। ये मेरा मानसिक था, मेरे पापा ने माना नहीं किया कि जब मैं यहाँ पे आऊँगा बड़ा होकर तो यहाँ पे कबूतर छोड़ूंगा। तो जय माँ कामाख्या के नाम। मुझे कुछ ऐसा लगा कि मंदिर के गर्भगृह के अंदर 10 महाविद्या का जो मूर्ति है वो गर्भगृह के पूरे दीवार में लगाया गया है। ऐसा एक वाइब आ रहा था, एक ऐसा पॉजिटिव एनर्जी का वाइब आ रहा था। कंप्लीट डार्क था, फिर भी उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी, एक अलग एक फीलिंग आ रहा था। तो हम उसको बातों में, वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आपको वो फीलिंग लाने के लिए, अंदर लाने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा और महसूस करना पड़ेगा। और ये ऐसा जगह है जहाँ पे अभी भी तंत्र मंत्र प्रैक्टिस किया जाता है। और इसे क्यों वन ऑफ द 16 महासतीपीठ कहा जाता है, ये आप आके यहाँ पे वही महसूस कर पाएंगे। एग्जैक्टली, मैं क्या बताऊँ, अगर आप भी ये शक्ति अनुभव करना चाहते हैं तो कामाख्या देवी के मंदिर में जरूर आइए। मन शांत हो जाएगा और सारी नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर हो जाएगा। माँ कामाख्या देवी के मंदिर से आज मैं अपना ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। साइनिंग ऑफ दिस बांफ व्लॉग्स, द क्रेजी ब्लॉगर।